हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मतलब मैं आपको बताऊंगा कि शेडिंग कैसे करते हैं। आज जो मैंने ये हॉर्स की आउटलाइन की थी, तो आज मैं इसकी शेडिंग करके दिखाऊंगा आपको कि शेडिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है। मैं आपको बिल्कुल सब कुछ दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, हाईलाइट्स कैसे करता हूँ, मतलब सब कुछ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ताकि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो गाइस, शेडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेडिंग हमेशा हमें लेयरिंग बाय लेयरिंग करनी चाहिए। हमें लाइट टू डार्क जाना है, नहीं कि डार्क टू लाइट। मतलब डार्क टू लाइट करेंगे तो उसमें हमारा स्केच खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। हमें मतलब वहाँ पर डार्क करना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है। जैसे मैं यहाँ पर आई में 10 MB का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डार्क पोर्शन है बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल हमें डार्क करना था, तो मैं यहाँ पर 10 MB का यूज़ कर रहा हूँ। हमें ऐसे लेयर बाय लेयरिंग करनी है, मतलब लाइट टू डार्क जाना है हमेशा, ये याद रखना बस। अभी मैं इस आई में मैंने 10 MB की थी। इसके बाद मैं यहाँ पे ड्राई ब्रश कर रहा हूँ, और ड्राई ब्रश है हार्ड वाली। मैंने मतलब आगे से थोड़ी सी कट कर रखी है ड्राई ब्रश। इससे क्या होता है कि जो मतलब डार्क पोर्शन है उससे मतलब एक तो अच्छे से ब्लेंड होता है, और ज़्यादा डार्क मिलता हमें। और इतना करने के बाद ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इरेजर और मोनोजीर इरेजर का यूज़ करूँगा, जो आई में हाईलाइट्स हैं उसके लिए। इससे मतलब जो हाईलाइट्स पोर्शन है मैं उसको इरेज कर लूँगा, जो कि मतलब शेडिंग में थोड़े डग गए थे उसमें। तो अभी मैं मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे वाइट जेल पेन का। वाइट जेल पेन से जो हाईलाइट्स है मैं उसको कर लूँगा। और ये देखो हमें आई मतलब कितनी अच्छी लग रही है। अभी यहाँ पर डार्क पोर्शन था इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा डार्क किया था, लेकिन अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। HB पेंसिल से पहले मैंने वो बेस लेयर करी, फिर उसके बाद ड्राई ब्रश से मैंने ब्लेंड करा। सॉफ्ट ड्राई ब्रश है ये। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा 4B पेंसिल। मतलब पहले हमें HB से बेस लेयर करनी है, फिर उसको ड्राई ब्रश से अच्छे ब्लेंड करना है, और उसके बाद यूज़ करना है 4B। हमें ऐसे लेयर बाय लेयर करना है। अभी 4B से मैं जहाँ जहाँ पर डार्क पोर्शन है मैं वहाँ वहाँ पर कर लूँगा। मतलब हमें फ़ोटो को बिल्कुल ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी पहले HB कर रहा हूँ, फिर उसको ब्लेंड करूँगा ड्राई ब्रश से, फिर 4B करूँगा, फिर उससे ब्लेंड करूँगा। तो ऐसे ही करना पूरी उसमें। अभी आप देखो कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं हाइलाइट्स के लिए मतलब मोनो जीरो इरेजर और नीडेबल इरेजर और ये इलेक्ट्रिकल इरेजर, ये तीन चीज़ यूज़ करूँगा। ज़्यादातर मैं ये मोनो जीरो इरेजर और नीडेबल इरेजर यूज़ करूँगा। जैसे कि ये हॉर्स का फेस है, तो इसमें हमें ऑब्जर्व करना कि हाईलाइट्स कहाँ कहाँ पर, यानी कि मतलब लाइट फेस पर कहाँ कहाँ पड़ रही है। जहाँ पर लाइट है हमें वहाँ पर नीडेबल इरेजर का यूज़ करना और मोनो जीरो इरेजर का, तो उससे हम हाईलाइट्स कर लेंगे। तो हमें बिल्कुल फ़ोटो को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है। मतलब फ़ोटो को बिल्कुल समझना कि हाईलाइट्स मतलब लाइट यहाँ पे है, डार्क पोर्शन यहाँ पे है। आप ये समझ गए तो मतलब आपको ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। Now I must conclude. I am conflicted. Why?
watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. तो गाइज यहीं तक थी हमारी वीडियो, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको तरह से भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, और जो भी हमारे चैनल पर नया हो तो जाकर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।